हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश मसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, आज की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है एंड हम लोगों ने अपसाइड में और डाउनसाइड दोनों जगह हम लोगों ने प्रॉफिट्स अच्छे से अर्न करे हैं। इसके अलावा हम लोग ना ज़्यादातर फोकस कर रहे थे स्टॉक ऑप्शंस के अंदर एंड उस पर कोल इंडिया हो गया, इंडिया सीमेंट हो गया, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर हो गया एंड अदर भी स्टॉक्स हो गए जिसपे हम अपना फोकस कर रहे थे एंड हमें अच्छे रिटर्न्स रिजल्ट्स मिल रहे थे। सो आज की मार्केट डेफिनेटली बहुत अच्छी रही है, अकॉर्डिंग रही है, मार्केट पूरी बुलिश थी। आखिरी में जो सेलिंग आई थी उसका रीज़न मैं भी आपको अंदर बताता हूँ एंड वहाँ पर हम लोगों ने कहाँ पर शॉर्ट करा और कितना अच्छा रिटर्न हम लोगों ने जनरेट करा, वो सारी बातें हम बात करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर अगर ये सारी चीज़ें आप भी चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके हमें तुरंत फॉलो करिए बिकॉज वहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर मैं अपडेट्स देते रहता हूँ कि कौन से स्टॉक्स को बाय कर सकते हो या कौन से इंडेक्स ऑप्शंस को बाय कर सकते हो और किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। सो चलते हैं एक बार अपने एनालिसिस के अंदर, ट्रेड सेटअप के अंदर और देखते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेटअप रह सकता है। इसके अलावा दो स्टॉक्स तीन में से मैंने आज ऐसे सिलेक्ट करे हैं जो आप शॉर्ट टर्म पीरियड एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं, जो हमें आने वाले हफ्ते महीने के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो उसके बारे में भी बात करेंगे। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। ओके गाइस, तो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर आ चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करा है। सो निफ्टी के चार्ट पे हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि 17,440 एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है बिकॉज 17,400 पे एक्सेसिव हम लोग देख रहे थे कि कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे थे एंड पुट राइटर्स ज़्यादा पोजीशन बना नहीं रहे थे। वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर पुट राइटर्स अनवाइंड हो रहे थे, बट वहाँ पे पोजीशंस ऐड नहीं हो रही थी रादर देन कि कॉल राइटर्स में ज़्यादा पोजीशंस ऐड हो रही थी। तो 17,440 एक अच्छा लेवल था जहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता था, फर्स्ट चीज़। अब इसके अलावा अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल थी, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था, इसके नीचे ड्रॉ डाउन करा एंड इस कैंडल का 50% भी यही लेवल था। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इस कैंडल पे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे ये जो बड़ा फॉल आया था इस लेवल पे, इसे डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस लेना था। एक बार चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि इसने इस लेवल को टेस्ट करा 17,430 का और हमेशा ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है। सो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, 14,440 को नहीं रखते हैं। इस लेवल को टेस्ट करा, अगेन इसने रीटेस्ट करने की कोशिश करी बट प्रीवियस हाई को नहीं चेक कर पाया। इसके अलावा मैं एक बार दोबारा इस लेवल पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके अलावा अगेन इसने टेस्ट करा बट वहाँ पे अगेन कोशिश नहीं कर पाया। अब याद रखिएगा, हमें पता चल रहा है कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन ऐड कर रहे हैं, पुट राइटर्स नहीं कर रहे हैं, एक सेलिंग प्रेशर वहाँ दिख गया। दूसरी चीज़ हमें देखिए, जो एक पहली चीज़ सपोर्ट थी, जब उसको ब्रेक डाउन करा एक हैवी गैप डाउन के साथ एक बड़ी फॉल आई थी निफ्टी के अंदर, वो रिकवर करके दोबारा ये पहली बार जाके टेस्ट कर रहा है। तो पहली बार जब जाके टेस्ट कर रहा है, इट क्रिएटेड अ ट्रिपल टॉप टाइप सिनेरियो, एक रेंज बनाई। अब जब इतने बड़े गैप अप के बाद और यहाँ पे एक बड़ा गैप अप आया, जब ये रेंज बनने की कोशिश आ गई, दैट मीन्स कि अगर किसी ने यहाँ लेवल पे, इन लेवल्स पे यहाँ पे कहीं बाय करा होगा एंड ये गैप अप्स का फायदा उठाया होगा तो यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी, वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट जरूर करेंगे। पहली बात, एक्सपायरी भी है तो पोजीशंस को डेफिनेटली वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और जैसे वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ से एक दोबारा फॉल आना स्टार्ट हो गया है, बट हमें इतना पता चल गया था कि निफ्टी स्ट्रांग रादर देन बैंक निफ्टी, निफ्टी स्ट्रांग। तो हमेशा मैं आपसे एक वीडियो में हमेशा कहता हूँ, जब भी शॉर्ट करना हो तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी रादर देन निफ्टी के अंदर। जब ये चीज़ हम लोगों ने देखी तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर गए और वहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि इस रेंज के अंदर एक फॉल आया एंड इस रेंज का ड्रॉडाउन इसने कर दिया, ठीक है। अभी जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल अगर आप मान के चलोगे तो ऑलमोस्ट 17,340, अब ये एक लेवल है जो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होते जा रहा है। 17,340 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है अगर इस लेवल के आसपास आता है और इसी लेवल पे क्लोजिंग भी दे रखी है। कल मार्केट अगर ओपन होती है एग्जैक्टली इस प्राइस पे, ना ज़्यादा ऊपर होती है ना ज़्यादा नीचे होती है, और हम लोग देखते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वहाँ सस्टेन नहीं हो पाई और शुरुआत के आधे घंटे के अंदर एक बियरिश कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। सो दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट वहाँ से एक सेल ऑफ कर सकती है बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है एंड वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दोबारा स्टार्ट हो सकती है। रिमेंबर दैट
यहां पर जब ये वाली जो कैंडल बनी थी ना, एग्जैक्टली ये वाली कैंडल, तो यूएस 30 का हम लोग इंडेक्स देख रहे थे, तो वहां पे भी ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स की फॉल हमें देखने को मिल रही थी। तो यानी कि यूएस मार्केट पर भी 100 पॉइंट्स की ज्यादा फॉल आ गई थी, ये भी एक ट्रिपल टॉप सिनेरियो बना गया था, रेजिस्टेंस लेवल पे था। इसके अलावा ओपेक और रशिया ने दोनों ने ऑयल प्रोडक्शन का कट कर दिया है, आई डोंट नो मैं शायद बैरल भूल गया, तो 2.5 लाख बैरल का आई थिंक उन्होंने कट करा है, और उसकी वजह से रीजन क्या था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़े, तो वो हमारी मार्केट के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो हाई लेवल्स पे अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो दैट मीन इट्स अ क्लियर साइन कि अगर हम शॉर्ट करेंगे लास्ट तार पे तो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑल अबाउट द साइकोलॉजी और जो हमारे सराउंडिंग्स में चल रहा है क्या क्या, उसके बेसिस पे एक डिसीजन लेना। सो यहाँ पर क्लियर साइंस है कि 17,360 से लेकर 17,340 तक एक रेजिस्टेंस है। अगर इसी लेवल पर रिजेक्शन लेता है कल फ्राइडे मॉर्निंग को एंड 15 मिनट की कैंडल एक बियरिश बनती है, तो इट्स अ क्लियर साइन कि हम लोग एक सेल ऑफ कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 17,280 से लेकर 17,235 तक भी जा सकती है मार्केट। सो इसको जरूर वॉच करेगा, मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं, इन लेवल्स तक निफ्टी जा सकती है। बट अगर ये दोबारा ट्राई करती है और इस लेवल के ऊपर दोबारा नहीं जा पाती है, अगर जाती भी है तो 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ रिजेक्शन दिखाती है तो भी हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। हम बाय तभी करेंगे जब ये 17,430 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक बार चलते हैं इसका ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी स्टडी कर लेते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। सो ओपन इंटरेस्ट के डाटा में अब मैं 13th October का कर रहा हूँ, तो यहाँ कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो हम ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन अच्छी बना रखी है, ठीक है, एज वेल एज कॉल राइटर्स ने भी, बट कॉल राइटर्स दुगने ऑलमोस्ट 2 times हैं एज ऑफ पुट राइटर्स, तो वो चीज़ नोटिस करने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स ने ऑलमोस्ट 3.4 million क्वान्टिटीज ऐड करी है और पुट ने 1.8 million करी है, तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर। इसके अलावा अगर आप यहाँ चेक करोगे 17,300 पे, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे पुट राइटर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है, सो अगर ये इसके ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो ही हम कुछ बाइंग साइड देख सकते हैं, अदरवाइज एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज हम लोगों ने जनरली ट्रेड्स लिए थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने 3 minutes के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेड लिया था कि एग्जैक्टली इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, यहाँ पर इसने पॉज लिया, अगेन ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया एंड इसने अपने मेजर लेवल का ब्रेकडाउन करा। दिस इज द पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, ये जैसे ही इसके नीचे आएगा एक क्लियर साइन ऑफ इंडिकेशन था। एंड हम लोगों ने 39,500 की पुट ऑप्शन भी सजेस्ट करी थी और उसके बाद एक बड़ा फॉल आया, ऑलमोस्ट 2 times विद इन फ्यू मिनट्स हमें देखने को मिल गई थी हमारी ऑप्शन प्रीमियम। सो रिजल्ट अभी तक अच्छा रहा था, हम लोगों ने अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करे थे एंड एक अच्छा ड्रॉडाउन भी हमें देखने को मिला है। अब किस तरीके से प्ले करना है, सो मैं ऑलमोस्ट इसको हटा देता हूँ। एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इन लेवल्स पे बाइंग करी है। ठीक है, इस लेवल पे बाय करी होगी, इन लेवल्स पे बाय करी होगी, ये गैप अप का फायदा मिला, मार्केट ऊपर गई, कोई लोग सेल नहीं करना चाहेगा। अगेन एक गैप अप का फायदा मिला, आज एक्सपायरी है तो उन्हें पता होगा कि शायद वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट नीचे गिर सकती है, ऊपर गया जो भी हाई बना आस पास उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी और नीचे आया। अब प्रॉफिट बुकिंग में ये भी हो सकता है कि शायद वो सस्टेन नहीं कर पाई होगी या फिर वो लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी और अभी भी बायर्स एंटर होंगे, हो सकता है। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, ठीक है, सो हम लोगों ने देखा कोई ज्यादा बड़ी फॉल आई नहीं है एंड एक गैप अप आया सस्टेन करता था, अगेन एक गैप अप आया सस्टेन करता था। ये मैं कुछ लेवल्स मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ ये लेवल्स हैं, इस लेवल पे अगर ये पॉज लेता है मोस्ट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये शायद इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा कल फ्राइडे के मॉर्निंग सेशन के अंदर अंदर ही। अगर ये इस लेवल से बाउंस करता है तो हम कुछ नया एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं कि शायद एक रिकवरी आ जाए, बिकॉज इस लेवल पे पॉज था, इस लेवल पे पॉज था एंड यहां से एक ब्रेकआउट उसने दिया था। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे कि एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन फेस करा था फॉर दिस, जो एक गैप डाउन हमें देखने को मिला था उसको ये फुलफिल कर चुका है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर मान के चले कि बैंक निफ्टी में अगर ये 39,130 के लेवल के नीचे जाना स्टार्ट करता है सो एक क्लियर शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, बट अगर वहां पर सस्टेन करता है और अपना निफ्टी 17,300 को सस्टेन करता है तो वो दोनों लेवल्स अगर सस्टेन होते हैं तो एक शॉर्ट टर्म बाइंग आ सकती है और वहां पर हम लोग फायदा उठा सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें कल फ्राइडे के सेशन में मैं आपको अच्छे से ट्रेड सेटअप्स बता पाऊंगा जब फ्राइडे का मार्केट ओपन होगा, एंड आधे घंटे में जो भी फ्लक्चुएशंस चलेंगे उसके बेसिस पर मैं अपने आप ऑलरेडी डिसीजन पता चल जाएगा कि हमें बाय करना है या सेल करना है या दोनों चीज़ें करनी है, ठीक है। सो अभी तक के लिए तो यही था। इसके अलावा बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की, दैट इज इंडिया सीमेंट। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने ऐसा BTSC ट्रेड भी दे रखा है, एंड लेट मी गिव यू वंस अगेन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या ये पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर आप चेक करोगे तो एक अच्छे फॉल के बाद पर्टिकुलर ये इंडिया सीमेंट एक अच्छे अप मूव में है, ये हमें क्लियर इंडिकेशन है, ठीक है। आफ्टर अ वेरी गुड फॉल इसने एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट करा एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इट गेव अ ब्रेकआउट रीटेस्ट अगेन ब्रेकआउट अगेन रीटेस्ट एंड अगेन ये ब्रेकआउट दिया इसने अभी प्रीवियस स्विंग हाई का। आप जब भी देखोगे अगर हमेशा अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देता है तो ऑलमोस्ट जो रैली आती है उसके बराबर ही अप मूव देता है। सो ये रैली आई, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन करा है, यह कैंडल आपको यहाँ पर शो नहीं कर रही होगी, तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये दोबारा 298-295 से 300 के बीच में जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक जा सकता है या परसों तक जा सकता है, तो इसको हम जरूर वॉच करके चलेंगे। देयर इज अ हायर चांस कि शायद यहाँ पे सेलिंग आ जाए, बट देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि यहाँ इस लेवल तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। सो इंडिया सीमेंट है, अभी करंट प्राइस आई थिंक 278 चल रहा है, यहाँ पे प्राइस आपको गलत दिख रहा होगा, तो 278 चल रहा है, उसके आसपास ही बाय करिएगा, एंड 298 रुपीज तक की लेवल्स भी दिखा सकता है, इसको चेक करिए। अब नेक्स्ट स्टॉक है जी मीडिया। जी मीडिया में बहुत पहले भी सजेस्ट करते हुए आ रहा था, एंड आज तो जी मीडिया और सोनी की डील भी साइन हो चुकी है, एंड फर्दर डिटेल्स में वो लोग जा चुके हैं, एंड पूरा मतलब हो चुका है अच्छे से। सो मेरे हिसाब से आफ्टर अ वेरी गुड रेंज बाउंड सेशन एक ब्रेकआउट आया, अगेन वो फुलफिल नहीं हो पाया बिकॉज बीच में डील्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट अब वो चीज़ अच्छी हो गई है, एंड इस हफ्ते ऑलरेडी उसने इंडल्ज कर लिया है, ठीक है, मतलब रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर दिया है। सो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी की पर्टिकुलर स्टॉक एक अच्छे रिटर्न दे सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। अभी करंट प्राइस चल रहा है 17,045 पैसा, एंड मेरे हिसाब से अगर आप बाय करते हो 18 के ऊपर भी और करेंट लेवल्स पे भी, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि इन 20+ तक के टारगेट्स आपको ईजिली विद इन अ मंथ दिखा सकता है, और उसके ऊपर के भी टारगेट्स दिखा सकता है। एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर वर्क कर रहा है, देर इज अ हायर चांस कि ब्रेकआउट भी आ सकता है, सो मेक श्योर आप इसको वॉच करके चलो। प्लस इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो आई थिंक ये अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है। जी मीडिया हमारा एक स्विंग ट्रेड का स्टॉक है। इसके अलावा अगला स्टॉक है हरी ओम पाइप, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हरी ओम पाइप में ज़्यादा ट्रेड मतलब इस पर आपको ज़्यादा चार्ट्स दिखेंगे नहीं बिकॉज ये अभी हुआ था स्टार्ट, आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 पे ये स्टार्ट हुआ है। ये पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर गया था, आफ्टर दैट जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है एक अच्छी रैली देखने को मिली, अगेन इट कम डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एंड अगेन इट्स गोइंग अप। आई थिंक ये स्टॉक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, एक अच्छी मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, एंड मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे ये 350 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकता है, ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। तो एज अ स्विंग ट्रेड एज अ कैश ट्रेड आप इसको भी बाय करके चल सकते हो। RSI बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 60 पे आ चुका है, तो दैट मीन्स देर इज अगेन अपसाइड इसमें और अच्छी बाकी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 310 के लेवल्स तो ईजिली विद इन अ वीक हमें देखने को मिल सकते हैं, और विद इन अपकमिंग मंथ ये 350 के टारगेट्स को भी रीच कर सकता है। ये स्टॉक भी मैंने आज टेलीग्राम चैनल के अंदर बता रखा है। सो ये कुछ 3 स्टॉक्स हैं जिसको आप फोकस करके चल सकते हो गाइस। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप पूरी ट्रेनिंग लो स्टॉक मार्केट की, टेक्निकल एनालिसिस की, कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे साइकोलॉजी का रोल होता है, कौन से चार्ट पैटर्न्स को देख के हमें स्टडी करना है, कौन से इंडिकेटर्स टूल्स का यूज़ करना है, एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू नो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी वीकेंड। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि वीकेंड में तो आप पढ़ते रहो, बट वीकडेज के अंदर अगर आप ट्रेड्स रिकमेंडेशंस के थ्रू आप कुछ प्रॉफिट्स भी अर्न करते रहो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप लाइव मार्केट पे आपको चैट या कॉल सपोर्ट भी मिले, सारी चीज़ें हम आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। यू डोंट हैव टू पे अस एनी थिंग, एनी सिंगल अमाउंट ऑफ मनी, बट आपको बस एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे थ्रू एंजल ब्रोकिंग में ओपन करवाना है। सो गाइस आप सबसे पहले जाइए, अगर आप लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड है सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए, सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले जाइए, वहाँ पर मैं ऑलरेडी मैसेज डाल चुका हूँ, एक मैसेज जिस पर मैंने लिख रखा है कि कैसे आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, वो लिंक के साथ अकाउंट ओपन करवाइए एंड
दिस सैटरडे आपके पास लास्ट टाइम है, मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे यही दो दिन बचे हैं जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड इस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो जाननी है तो यहाँ पर आपको वो वीडियो शो कर रही होगी, आप इसे जाके भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, एंजल ब्रोकिंग क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला है, और आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस हैव अ वेरी गुड डे, आई होप आपका ये वीकेंड अच्छा रहा होगा एंड ये थर्सडे की एक्सपायरी अच्छी रही होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से सून, बाय बाय।